नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है पत्नी झूठी क्यों भाग दो। और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। कहानी चोरों के लिए विशेष सूचना, ये एक स्वरचित कहानी है, इसे चोरी करके अन्य चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना डालें, अन्यथा आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। वैदेही अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती थी और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, और सच्चाई जानने के बाद भी अगर वह अनिरुद्ध से दूर चली जाती तो उसकी सास ने उन दोनों को दूर करने की जो योजना बनाई थी वह सफल हो जाती। वैदेही ने ठान लिया कि वह अनिरुद्ध को सच्चाई का आईना दिखाकर रहेगी। शाम को अनिरुद्ध आया तो वैदेही ने उसे सारी सच्चाई बता दी, लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी का यकीन नहीं किया। वह उसे गुस्से से घूर कर देखते हुए बोला, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। अनिरुद्ध मन ही मन सोचने लगा कि मेरी पत्नी मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ भड़का रही है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बेटा अपने माता पिता और परिवार के बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकता। वैदेही ने रोते हुए कहा, मेरा यकीन मानो, वह लोग सिर्फ तुमसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। अनिरुद्ध ने गुस्से से उफनते हुए कहा, चुप करो तुम, मेरे परिवार के प्रति मेरा भी कुछ फर्ज है, मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगा तो और कौन देगा, और तुम क्या चाहती हो? मैं मेरे फर्ज भूलकर अपने परिवार से दूर हो जाऊं और सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊं, यह कभी नहीं हो सकता, समझी? वैदेही की आंखें सावन सी बरसने लगी। उसने रूंधे गले से कहा, मैंने ये कब कहा कि उन्हें पैसे मत दो, मैं तो ये कह रही कि तुम हर अपने फैसले में मेरी भी सलाह लो। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम मुझसे छुपाकर या झूठ बोलकर कुछ करते हो तो मेरा दिल बहुत तड़पता है। उन सभी के प्रति फर्ज निभाओ, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरे प्रति भी तो तुम्हारे कुछ फर्ज है ना? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, तो अब वो प्यार कहाँ खो गया? अनिरुद्ध उसकी बातों को अनसुना कर गुस्से में घर से बाहर चला गया। वैदेही फूट फूट कर रो पड़ी। वो सोचने लगी, शादी से पहले तो अनिरुद्ध कहता था कि मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है, लेकिन आज अनिरुद्ध मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? खून के रिश्ते चाहे कितना भी अन्याय और गलत कर ले, वो हमेशा सही ही क्यों होते हैं? और पत्नी खून के रिश्तों से बढ़कर भी प्यार दे, सम्मान दे, फिर भी उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया जाता। अनिरुद्ध की बेरुखी से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वह दूसरों के द्वारा गलतफहमी पैदा करने के कारण अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए सब कुछ सह रही थी। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन सच्चाई अनिरुद्ध के सामने जरूर आएगी, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं वह दिन आने में बहुत ज्यादा देर ना हो जाए और तब तक उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए। अगले दिन वैदेही की ननद मालती मायके आई। मालती का 6 वर्षीय बेटा मोबाइल में गेम खेलने की जिद करने लगा, तो वैदेही की सास चंद्रकला जी ने बड़े ही प्यार से उसे अपना मोबाइल गेम खेलने के लिए दे दिया और वैदेही को आदेश देते हुए बोली, जा रसोई में, देखती नहीं मेरी बेटी आई है, जा कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना कर ला। सुन, आज तो तू दही बड़े बना ले, तुझे पता है ना मेरी बिटिया को दही बड़े कितने पसंद है। वैदेही रसोई में आ गई। वो दोनों हॉल में बैठकर बातें करने लगी। वैदेही की ननद बोली, माँ तुमने इसे अच्छे से काबू में कर लिया है, अब मजा आ रहा है। पहले तो भाई इसके पीछे पीछे दुम हिलाते दौड़ते रहता था, तब मुझे तो बहुत गुस्सा आता था इन दोनों को ऐसे साथ में देखकर। चंद्रकला जी ने इतराते हुए कहा, और नहीं तो क्या, वो मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं सुनेगा तो और किसकी बात सुनेगा, इसकी? इतना बोलकर दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़ी। मालती ने आंखें नचाते हुए कहा, वैसे माँ भाई बहुत सीधे हैं, जरा समय झूठ मूठ का बहाना बना देती हूँ ना तो तुरंत पैसे निकाल कर मेरे यहाँ पहुंचा जाते हैं। उन्हें तो इतनी बुद्धि भी नहीं है कि वो समझ सके कि मुझे सच में रुपयों की जरूरत है भी या नहीं। चंद्रकला जी बोल पड़ी,
ऐसे ही तू उससे रुपए मांगती रहा कर, नहीं तो वह इस महारानी पर रुपए खर्च करने लगेगा। मैं नहीं चाहती वो अपनी गाढ़ी कमाई अपने परिवार वालों को छोड़कर अपने पत्नी पर खर्च करे। और अच्छा ही है ना कि वो सीधा है, तभी तो हम जो कहते हैं वो झट से हमारी बात पर विश्वास कर लेता है। मैं जानती हूँ परिवार उसकी कमजोरी है और वो परिवार के खिलाफ इस महारानी की एक बात भी नहीं सुनेगा। तब तक उन्होंने देखा कि वैदेही नाश्ता बनाकर ले आई थी, वो दोनों उसके सामने चुप हो गई। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध भी ऑफिस से आ गया। वैदेही की सास ने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। वैदेही ने भी अनिरुद्ध का उतरा हुआ चेहरा देखा तो घबराते हुए पूछ बैठी, क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मालती वैदेही की बात को बीच में काटते हुए बोल पड़ी, आप तो चुप करो भाभी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई बाहर से थका हुआ आया है, जाओ उसके लिए चाय लेकर आओ। क्या फिजूल की बातें लेकर बैठ गई। उसकी ननद ने सोचा कि और दिनों की तरह उसका भाई भी अपनी पत्नी का मजाक उड़ाने में उसका साथ देगा, लेकिन अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा। मालती को भाई का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। उसने अनिरुद्ध के पास आते हुए कहा, लाओ भैया मैं आपके सिर में मालिश कर देती हूँ, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। इतना बोलकर जैसे ही उसने उसके सिर पर हाथ लगाने की कोशिश की, अनिरुद्ध ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। ऐसा करते हुए देखकर वह स्तब्ध हो गई। उसकी माँ बोल पड़ी, यह क्या तरीका हुआ अनिरुद्ध, बहन के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? अनिरुद्ध ने गुस्से से कहा, आप तो चुप ही करो माँ, आप तो इससे भी बढ़कर हो। चंद्रकला जी उसके क्रोध से भरे स्वर को सुनकर कांप गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, क्या हो गया है तुझे, ये तू कैसी बातें कर रहा है, तू सारी तमीज घोल कर पी गया है क्या? अनिरुद्ध ने जेब से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। अभी शाम को हॉल में बैठकर माँ बेटी जो बातें कर रही थी वह पूरी की पूरी बात मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी। रिकॉर्डिंग सुनते सुनते वैदेही हैरान हो गई और दोनों माँ बेटी के चेहरे लटक गए। अनिरुद्ध ने कहा, आप दोनों को लग रहा होगा कि यह कैसे हो गया, मैं बताता हूँ। मुझे माँ के नंबर से कॉल आया था, मैं उस समय बाइक पर था, मैंने कॉल नहीं उठाया, लेकिन ईयरफोन कनेक्ट होने की वजह से कॉल अपने आप रिसीव हो गया और मेरे कानों में आप दोनों की बातें पहुंचने लगी। चंद्रकला जी ने झट से अपना मोबाइल देखा, मोबाइल मालती के बेटे के हाथ में था। खेलते खेलते शायद उसने गलती से अनिरुद्ध को कॉल लगा दिया था, जिसकी वजह से आज सारी सच्चाई अनिरुद्ध के सामने आ गई थी। अनिरुद्ध ने गुस्से से कहा, माँ आप जानबूझकर अपने बेटे की गृहस्थी में आग लगाना चाहती थी? क्या आप जानबूझकर मेरी खुशियां बर्बाद करने पर तुली हुई थी? मैं तो हमेशा आप पर विश्वास करके अपनी पत्नी से दूर होता चला गया, कभी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, ना ही उसकी बातों की सच्चाई को जानने की कोशिश की। मैं आंख बंद करके अपनी माँ और बहन पर विश्वास करता रहा, लेकिन आप लोगों ने तो बहुत बुरी तरीके से मेरे भरोसे को तोड़ दिया। आप लोगों को पैसे चाहिए थे ना, तो आप लोग ऐसे ही मांग लेती, उसके लिए मेरी गृहस्थी उजाड़ने की क्या जरूरत थी? आप लोग बहाने बनाकर मुझसे पैसे निकलवाते रहे। अरे मेरे पास क्या पैसों का कोई पेड़ है? आप लोगों के कारण मैं गले तक कर्ज में डूब चुका हूं। मैं पागल समझ रहा था कि मैं अपने फर्ज निभा रहा हूं, लेकिन नहीं, मेरे साथ तो केवल छल हो रहा था। आप लोगों की हरकतों से आज आप लोग मेरी नजरों से गिर चुके हैं। वैदेही की आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। अनिरुद्ध वैदेही के पास आया और अपनी हथेली से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, बस आंसू बहाने का ये आज तुम्हारा आखिरी दिन था। मैंने आज तक तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं, हमेशा तुम्हारा अपमान और तिरस्कार करता रहा, तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करता रहा, तुमसे दूर जाने के बहाने ढूंढता रहा और तुम्हें झूठी समझता रहा, लेकिन मैं बहुत गलत था। मैं समझ गया हूं कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, तभी तो इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम चुपचाप सब कुछ सहकर मेरे साथ बनी रही।
अगर मेरी बेरुखी के कारण तुम मुझसे दूर चली गई होती तो आज मेरा क्या होता। मैं तो ऐसे खोखले रिश्तों के बीच अकेले रह जाता। मुझे माफ कर दो। इतना बोलते बोलते अनिरुद्ध का गला भर आया। आगे के शब्द उसके गले में अटक गए थे। अपनों के द्वारा छले जाने का दर्द बहुत बड़ा होता है। आज अनिरुद्ध खुद को लुटा पिटा हुआ सा महसूस कर रहा था। वैदेही से कुछ बोला नहीं गया। उसने नम आंखों से अनिरुद्ध का हाथ थामकर स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। अनिरुद्ध ने खुद को संयत करते हुए कहा, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मैं भूल गया था कि आखिर में साथ तो पत्नी ही देगी। अनिरुद्ध ने वैदेही का हाथ थामते हुए कहा, अब नहीं रहना मुझे ऐसे झूठे रिश्तों के सहारे। हम अपनी एक अलग छोटी सी दुनिया बसाएंगे। उसकी माँ और ननद कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। आखिर आज उनकी गलतियों का पर्दाफाश जो हो गया था। दोस्तों, इस कहानी में अनिरुद्ध बहुत खुशनसीब था जो उसे समय रहते संयोग से सारी सच्चाई पता चल गई। लेकिन आज भी कई पति ऐसे हैं जो अपने घर वालों की गलती को नजरअंदाज कर जाते हैं और पत्नी की बातों का विश्वास नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने होते हैं पर पति पत्नी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। पत्नी की बातों को झूठा ठहराने से पहले एक बार उसकी बातों की सच्चाई को परखने की कोशिश करनी चाहिए। एक पत्नी अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर पति के लिए ससुराल आती है। पति का प्यार पाने के लिए वह कितना कुछ करती है, कितना त्याग करती है। बदले में उसे बस थोड़ा प्यार, सम्मान और भरोसा ही तो चाहिए होता है। जब पति उस पर भरोसा ना करे तो पत्नी किसके भरोसे जिएगी। इसलिए पति पत्नी दोनों को ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अंत में जीवन साथी ही एक दूसरे के काम आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।